माही विलेज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बेसन का ढोकला और भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ सामग्री ली है, चलिए बता देते हैं। ये है बेसन और ये ली है पिसी हुई चीनी और ये हल्दी पाउडर और ये कटे हुए मिर्च और ये ली है राई मैंने और ये नमक लिया है मैंने और ये तेज़पत्ता और मैंने एक इनो के पैकेट लिया है। चलिए ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी रख दिया है खोलने के लिए, ये पानी तब तक खोलता रहेगा। और इसके बाद मैंने ये बेसन अच्छे से छान के ले लिया है और एक चम्मच ये हम नमक डाल रहे हैं और दो चम्मच पिसी हुई चीनी और डेढ़ चम्मच हल्दी। हल्दी से क्या होगा कि कलर हमारे ढोकले का अच्छा आएगा। और हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ना अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा से ही डालना है और ऐसे चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारा ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो और अच्छे से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बन गया है। और इनो हमें इसमें लास्ट में डालना है, वीडियो में शूट नहीं हो पाया, मैंने लास्ट में डाल दिया था। और इस तरह आप एक थाली में करके रख लें, आप देख सकते हैं। और ये पानी मेरा खोल रहा है, अब इसमें हम वही थाली इसके ऊपर रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और धीमी आंच में ऐसे ही जलाते रहेंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं, तब तक हम आप देख लीजिए अभी ये चक्कू में चिपक रहा है, इसका मतलब ये अभी ढोकला तैयार नहीं है। इसको 5 मिनट के लिए और बंद करेंगे और ये 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ये ढोकला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तब तक अब हम ढोकले में डालने वाला मसाला जो ऊपर हम डालते हैं ना उसको तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और ये कटी हुई मिर्च, इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये हमने तेज पत्ता डाल दिया है और ये राई, इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला एकदम तैयार हो चुका है। आपको हम ये ढोकला दिखा रहे हैं, ढोकले का कलर आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छा सा आया है। अब हमने एक थाली रख ली है, थाली को ना उल्टा एकदम करके पलटना और तेज़ी से मारना है थोड़ा सा, इससे ढोकला हमारा बहुत आराम से निकल आएगा, बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा बना हुआ। और ये चक्कू की मदद से हम काट लेंगे, इसी तरह हम पूरा ढोकला काट लेंगे। आप देख सकते हैं ढोकला एकदम सॉफ्ट सा मुलायम सा बना हुआ है। आप देख सकते हैं अब इसमें मसाला डाल लेंगे जो हमने तैयार किया था और इस पे ये धनिया हरी। आप देख सकते हैं ढोकला बहुत ही अच्छा बना है, एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।